नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे सफर सिवान और बोलता सिवान। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है ब्लॉक के पास, आप देख रहे हो यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पे सुन रहे होंगे 1000 में दम नहीं और 10000 से कम नहीं। ये आशा कार्यकर्ता लोग हैं जिनको लेकर के आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठा गया। हर जगह का यही है हाल, कहीं प्रदर्शन कहीं हड़ताल। आज कल ही आपने सुना होगा कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा कुछ हड़ताल किया गया था, टीचर द्वारा किया गया था। ये देश का हाल है कि जगह जगह यही हड़ताल हो रहा है, और इस तरह का सरकार से क्या मांगे लोग, आइए हम इन लोग से बात करते हैं डायरेक्ट। हड़ताल किया 12 तारीख से हम लोग आशा बहने जो हैं इन लोगों को मात्र 1000 रुपया मिलता है तनख्वाह महीने का। बतलाइए इस महंगाई के समय में दाल का रेट ये है, सब्जी का रेट इतना हो गया, आप लोग देख रहे हैं, टमाटर का भी, और उसके बाद देख लीजिए कि इस आशा बहने जो कि आधी रात को चाहे बारिश हो रहा हो तूफान हो रहा हो, मगर इन लोगों को परसों पीड़ा जब हो रहा है लोगों को, तो ये लोग ले करके और हॉस्पिटल में जा रही हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक सरकार का ध्यान इन लोगों के इतने कठोर परिश्रम के ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। मेहनत करता है लोग, काम करता है लोग, बहुत बहुत ज़्यादा। आप हम नींद में सो जाते हैं तो नहीं जगते हैं, और 1 बजे रात को इन लोगों के पास सूचना मिलता है कि आप लोगों को हॉस्पिटल में चलना है, तो ये आशा बहने भय त्याग करके और 12-1 बजे रात को हॉस्पिटल में जाती हैं और जा करके वो काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लगातार महिलाओं के हित में कार्य कर रहे हैं। जी जी। और उस सिचुएशन में उनके सरकार में इस प्रकार के आप लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए कि जब तक आशा बहनों की मांगे पूरा नहीं हो जाता है, 1000 में दम नहीं और 10000 से कम नहीं, तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। 1000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं, क्या मतलब? मतलब ये है कि जब आशा बहने ही निराशा में जिंदगी काटेगी तो दूसरे का क्या होगा। जो 12 बजे 1 बजे रात को परसों पीड़ा से तड़पती हुई महिला को लेकर के और हॉस्पिटल में पहुंचती है, अपने जान की बाजी लगा करके, गुंडा अपराधियों का भी खतरा रहता है, और उसके बाद अपने जान की बाजी लगा करके और हॉस्पिटल में पहुंचती है, और इन लोगों का 1000 रुपया महीने का मानदेय शोभा नहीं देता है। हम तो कहते हैं कि कम से कम 10000 और उससे ज़्यादा 25-50000 होना चाहिए, उससे कम नहीं। 1000 में दम नहीं और 10000 से कम नहीं। गौतम पांडे, भाकपा माले नेता। और इतना ही नहीं, चाहे आंधी हो, पानी हो, पत्थर हो, शीतलहरी हो, कुछ भी हो, उसमें हम लोग को जाना पड़ता है। चाहे रात हो, चाहे कोई तूफान हो, उसमें आशा को जाना रहता है तो रहता है। अगर आशा हमारी नहीं गई तो पब्लिक के उन लोग को जीना हराम कर देगा। पहले भी आप लोगों ने भी हड़ताल किया था? हाँ, स्कूल वगैरह। हाँ, क्या इसके पहले तो कुछ निष्कर्ष कुछ निकला? नहीं, कुछ नहीं निकला। हम लोग के लिए सरकार है ये नहीं है। अच्छा मैडम, एक सवाल है कि अभी ये जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ सिवान में हो रहा है या बाकी और भी जगह पर? सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। सारे बिहार की जो आशा है वो लोग मिलकर उस हर ये थी कोरोना काल में हमारी आशा, सब लोग अपना अपना घर में छुप छुप कर बैठे थे, और हमारी आशा बेचारी घर घर घूम करके सबको कोरोना का ये थी बुला बुला करके, चाहे घर घर जा करके सर्वे करती थी, कोरोना जांच करती थी, हर काम कर रही थी। और हम लोग के लिए कोई नहीं, सरकार है न कोई नहीं है। क्या चाहती है? हम लोग का प्रतिष्ठा भी नहीं दिया जाता है, हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, कहीं भी जाते हैं हम लोग तो हम लोग का इज्जत नहीं होता। क्या है, क्या चाहती है? हम लोग तो जो है ये लोग मांग रहे हैं 10000 से, 10000 के करीब आप लोग का वेतन होना चाहिए। हाँ, 1000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं।
क्या कहेंगे? क्या नाम है मैडम आपका? मीरा सिंह पचलती। क्या कहेंगे मैडम आप लोग? अरे इसलिए कह रहे हैं कि 1000 से क्या होने जाना है, 1000 से सब्जी इतनी महंगी है। देखिए यहीं पर मिर्चा, जो मिर्चा को मतलब आदमी नहीं भी खा सकता है, खा भी सकता है, टमाटर 150 रुपये किलो है, मिर्चा 150 रुपये किलो। अब बताइए आप अपने, हम अपने परिवार को 1000 से क्या खिला पिलाएंगे? टमाटर की सब्जी नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन सब्जी की कितनी महंगाई है, दाल 150 रुपये किलो होगा। बताइए 1000 रुपया में कैसे आशा अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करेगी? काम इतना है, रात में हम लोग जान खेल कर डिलीवरी पर्सन लेकर सदर अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां भी हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। सरकार हम लोग के लिए सो गई है, लेकिन काम हम लोग के मुड़े, हम लोग जी जान से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। जी हम लोग निश्चित काल के लिए बैठेंगे, नहीं तब तक हम लोग बैठे हम लोग सदर में बैठेंगे, ट्रेन बाधित करेंगे, बस बाधित करेंगे, हम लोग हर जगह करेंगे। हाँ इमरजेंसी किसी की आएगी उसकी हम लोग रक्षा करेंगे।